हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ आज आपके लिए एक और नया सा वीडियो लेके। और टाइटल से तो आपने पढ़ लिया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लिपस्टिक्स के बारे में, बहुत सारी लिपस्टिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी लिपस्टिक्स मार्केट में है, बट फिर भी हमें कभी कभी लगता है यार हमें कुछ अफोर्डेबल लिपस्टिक्स मिले जो कि एक्चुअल में वर्थ हो परचेज करने के लिए। करेक्ट, क्योंकि आप टीनेजर हो, कई बार बजट टाइट होता है, या आपने जस्ट अभी मेकअप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है और आप बहुत सारे कलर्स के साथ प्ले करना चाहते हो, बट 600-700, 700-500 रुपए नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो पर लिपस्टिक में। तो फिर आप सोचते हो कि यार मुझे ऐसे कुछ अफोर्डेबल लिपस्टिक्स मिल जाए जो कि प्राइस में भी हो, प्लस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो, वेराइटीज हो, ताकि मैं अलग अलग कलर्स को ट्राई कर सकूं। बट सेम हैंड पे वो नॉन ट्रांसफर भी हो, थोड़ा पे ऑफ, कलर पे ऑफ अच्छा हो और सुंदर दिखे। करेक्ट, तो इन टोटल जब सारी हमारी चीजें हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये सब मिले बट प्राइस भी अच्छा हो, तो फिर हमें करनी पड़ती थोड़ी सी रिसर्च। पर आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपके लिए कर ली है। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता तो मैंने सोचा कि मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा बात कर पाऊं लिपस्टिक्स के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिपस्टिक्स अंडर 299 रुपीज। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें मैं बात करूंगी 299 से 400 के बीच की लिपस्टिक। तो मेरी जो टोटल वीडियो होने वाले हैं, दो वीडियो जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ और जो नेक्स्ट पोस्ट करने वाली हूँ, वो दोनों वीडियो में ऐसा होगा कि आपको दोनों लिपस्टिक्स मिलेंगी, 10 अलग अलग प्रकार की लिपस्टिक मिलेंगी बट अंडर 400 रुपीज। तो सोचो 400 रुपीज में 10 डिफरेंट टाइप की लिपस्टिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आई नो इंट्रो बहुत बड़ा हो गया है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने प्राइस के हिसाब से लिपस्टिक को रेट किया हुआ है, ना कि कौन कैसा है, क्योंकि पांचों जो लिपस्टिक है वो ऑलमोस्ट अच्छी है। अगर कुछ स्पेशल चीज बताने लायक होगी तो वो मैं आपको रिव्यू के दौरान बताती रहूंगी। बट मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, जो पहली लिपस्टिक आती है हमारी इस कैटेगरी में वो है फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड कॉस्मेटिक। इनसाइड कॉस्मेटिक एक बहुत इमर्जिंग ब्रांड है जो काफी अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, येट दे आर वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो मैं बात कर रही हूँ उनकी ये वाली इनसाइड नॉन ट्रांसफर लिप कलर के बारे में, जिसका प्राइस है सिर्फ 81 रुपीज। आप सोचो आपको 81 रुपीज में लिपस्टिक मिल रही है। आई नो इसका साइज थोड़ा छोटा है, बट क्योंकि मैं अफोर्डेबल लिपस्टिक की बात कर रही हूँ तो आपके लिए मैटर करते है कि यार मुझे डिफरेंट वेराइटीज ट्राई करने मिले। तो कई बार क्वांटिटी से ज्यादा हमें वेराइटी मैटर करती है, तो उस चीज के लिए 81 रुपीज की ये लिपस्टिक है। मैं आपको फटाफट से एक एक लिपस्टिक का स्वैच दिखाऊंगी, हर एक जो कैटेगरी में मैंने बांटा है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्मूथ टेक्सचर है इसका, और 81 रुपीज के हिसाब से तो मतलब ये 100% पैसा वसूल लिपस्टिक है, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद प्रॉपर मैट होती है। हाँ, ये 3 से 4 घंटे आपके लिप्स पे रहेगी, अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जो कि लिपस्टिक खा लेते हैं। बट अगर एक नॉर्मल इंसान हो, अगर आपकी नॉर्मल अदर लिपस्टिक टिकती है, तो ये 5-6 घंटे आराम से टिकने वाली है। प्लस कलर्स इसमें इतने सुंदर सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर कलर है कि आपको मजा आ जाएगा देख के। मैंने 2 स्पेसिफिक कलर परचेज किए थे एक्चुअली, 1-2 और है, ये रेड है और ये पिंक। तो इसके और बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये तो वैसे भी क्वालिटी के हिसाब से भी नंबर 1 है और प्राइस के हिसाब से तो ताबड़तोड़ है। लेट्स मूव टू वर्किंग। मैं बात करने वाली हूँ एक और इमर्जिंग ब्रांड के बारे में, जो है मार्स कॉस्मेटिक। मार्स कॉस्मेटिक एक ऐसा ब्रांड है जो अभी अभी मार्केट में आया है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये ब्रांड अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। आई एम प्लानिंग टू मेक अ फुल एंटायर वीडियो रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ब्रांड, बट अभी फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये है देयर मार्स लिप ग्लॉस। इन्होंने जरूर बोला है कि ये लिप ग्लॉस है, बट ये लिप ग्लॉस बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ इसका। साइज तो इनका बहुत छोटा है, बट प्राइस आपको पता है, 3 लिपस्टिक का प्राइस है 125 रुपीज, या लिप ग्लॉस जो भी बोल लो आप, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें छोटा सा ये लिपस्टिक का वो है, एंड ये देखिए, आपको कहीं से भी ये लिप ग्लॉस जैसा दिख रहा है। ये लगाने के बाद थोड़ा सा शाइनी होता है लिप्स पे, पर थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद ये सेमी मैट जैसा दिखता है। प्लस
ग्लॉस जैसा नहीं है, ये बहुत अच्छे कलर्स है। इसमें तीन डिफरेंट कलर्स है, जो कि एक पिंक है, एक न्यूड है और एक और ब्राउनिश कलर है। तो तीनों कलर कैटेगरी को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है और काफी काफी स्मूथ है ये। तो मुझे तो मजा आ गया लिपस्टिक देख के। डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो। और इसका पैकेजिंग देखो यार, कितना क्यूट है। मतलब ये कहीं भी आ जाएगा, ऐसा लग रहा है कैप्सूल हो जैसे। तो इट्स टोटली वर्थ इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड लिपस्टिक की बात कर लेते हैं। अब थर्ड नंबर पे जो ब्रांड आता है उसमें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ ब्लू हेवन। इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये हमारा इंडियन ब्रांड है जो बहुत टाइम से, बचपन में हम लोग मम्मी के पास जो मेकअप प्रोडक्ट हुआ करते थे वो ब्लू हेवन के ही हुआ करते थे। तो ओल्ड इज गोल्ड काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें भी मैंने दो कलर परचेज किए थे, द पिंक एंड द रेड वन। मैं सब में यही पिंक और रेड ही परचेज करती हूँ क्योंकि मल्टीपर्पज होते हैं। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा रेड का शेड दिखाती हूँ, ठीक है। आप ये जो लिपस्टिक मैं आपको सारी दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे इनका टेक्सचर कितना अच्छा और ये कितना स्मूथ एफर्टलेसली आपके लिप्स पे ग्लाइड करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप देखो इसका शेड काफी अच्छा है, ये भी थोड़ी देर बाद मैट हो जाता है। जैसे अभी आपने सेकंड वाला देखा होगा, ये अभी भी ड्राई नहीं हुआ है क्योंकि ये ग्लॉस कैटेगरी का है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड जो है वो प्रॉपर ड्राई हो गए हैं। तो ड्राई होने के बाद ये बहुत काफी टाइम तक आपके लिप्स पे रहते हैं और अच्छा कलर पे ऑफ देते हैं, काफी अच्छा टेक्सचर है। तो मुझे तो मजा आ गया। ये भी सिर्फ 125 रुपए की लिपस्टिक है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ लिपस्टिक में मैंने जिस ब्रांड को रखा है वो है मेरा आपका सबका फेवरेट स्विस ब्यूटी। आपको भी पता है स्विस ब्यूटी कितने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है। सीरियसली आई एम इन लव विद दिस ब्रांड। मैं इसकी लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ पर्सनली। इसके लिपस्टिक्स, इसके हाइलाइटर्स, इसकी सारी चीजें, ऑल थिंग्स आर बैंग ऑन, बहुत अच्छी हैं। तो अभी मैंने जिस लिपस्टिक को इसको इंक्लूड किया है इस कैटेगरी में वो है इसका स्विस ब्यूटी का नॉन ट्रांसफर वाटरप्रूफ लिपस्टिक। तो नॉन ट्रांसफर वाटरप्रूफ लिपस्टिक में भी मैंने दो कलर्स परचेज किए हैं, वन इज पिंक एंड वन इज रेड। हाँ, तो मैं यही दोनों लिपस्टिक के कलर परचेज करती हूँ, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है। तो अभी हम इसमें पिंक देख लेते हैं, ठीक है। फिर से बोलूंगी टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट लिपस्टिक है। ये जो है ये क्रीम मैट है, मतलब नॉट एग्जैक्टली मैट, नॉट एग्जैक्टली ग्लॉस, ये क्रीम मैट है। इसका फिनिश काफी अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा सा एक्चुअली ऐसा है कि बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होती है लिप्स पे, तो थोड़ा सा ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफर होता है मतलब अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम है कि कप में पीने के बाद उस पर निशान बन जाता है तो फिर थोड़ा सा आपको ये लगने वाला है। बट यार 249 रुपीज में आपको इतनी वैरायटी के कलर्स मिलेंगे। और आप क्या कर सकते हो, टिश्यू पेपर और थोड़ा सा पाउडर से इसको प्रॉपर मैट बना सकते हो, उसके बाद ये ट्रांसफर नहीं होगी। तो हम थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ना ये लिपस्टिक्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतने खूबसूरत कलर आते हैं, इतने खूबसूरत कलर आते हैं कि आपको मजा आ जाएगा सीरियसली। मतलब एक्चुअली ये तो पता ही है कि स्विस ब्यूटी जो है डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स ये बनाती है। इवन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैक के हुडा ब्यूटी के कलर्स हैं जिसके ड्यूप्स स्विस ब्यूटी पे हैं। तो ये काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो पर्सनली मेरे को अच्छी लगी ये लिपस्टिक। 3-4 घंटे का इसका स्टे पावर है, तो दैट इज फाइन। 249 रुपीज के हिसाब से काफी अच्छा है। अब फिफ्थ कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में मैंने इंक्लूड किया है फेसेस कनाडा को। ये है फेसेस कनाडा की वेटलेस मैट लिपस्टिक। इसका प्राइस है 299 रुपीज पर लिपस्टिक। और अब मैं आपको फटाफट से इसका पहले स्वैच दिखा देती हूँ। तो मैंने इसमें फॉर अ चेंज न्यूड कलर लिया हुआ है। तो हम ये देखिए, दिस लिपस्टिक इज प्रॉपर मैट, प्रॉपर मैट लिपस्टिक है ये। काफी अच्छे से ग्लाइड होती है, थोड़ी सी ड्राई है ये, थोड़ी सी ड्राई है लिप्स पे। बट अगर आपको लिप्स को प्रॉपर तरीके से प्राइम करके थोड़ा सा लिप बाम वगैरह लगा के आप इसके बाद इसको लगाते हैं तो फिर वो ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं और अभी इन लोगों ने फॉर्मूला भी इम्प्रूव कर दिया है लिपस्टिक का पहले से, तो अभी लिपस्टिक का स्टे पावर अच्छा हो गया है। लिपस्टिक दिखती लिप्स पर बहुत अच्छी है। मैंने बोला ट्रांसफर प्रूफ है, मतलब थोड़ी सी ट्रांसफरेबल है। तो अगर ट्रांसफर प्रूफ बनाना है तो आप बढ़िया सा टिश्यू पेपर लगाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा
लूज पाउडर लगा दीजिए और आपकी लिपस्टिक बन जाएगी ट्रांसफर प्रूफ, तो वो वाला इश्यू तो नहीं है। तो अब आप सोचो मैंने 81 रुपीज से लेके 299 रुपीज के अंदर आपको पांच डिफरेंट लिपस्टिक बताई जिनका स्टे पावर इज अराउंड 3-4 आवर्स, जो ट्रांसफरेबल बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर स्लाइटली ट्रांसफरेबल, वो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट वाली लिपस्टिक भी स्लाइटली ट्रांसफरेबल होती है कभी कभी, तो वो एक मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस, तो आप प्राइस देखो कितनी कम है, तो उस हिसाब से तो आप बहुत सारी वैरायटी ट्राई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने पांच लिपस्टिक को ऐड किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 लिपस्टिक के बारे में बताने वाली हूं आपको। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो जो कि मैं अभी डालने वाली हूं अगली बार, तो उस वीडियो को भी देखना, उसमें भी मैं नेक्स्ट 5 लिपस्टिक शेयर करने वाली हूं। और यहां पर ही मैं अपना वीडियो खत्म करती हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।